हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों, कल से आरजीपीवी के फर्स्ट सेमेस्टर के फर्स्ट ग्रुप के एग्जामिनेशन होने वाले हैं, जो कि फर्स्ट एग्जामिनेशन इंजीनियरिंग केमिस्ट्री का रखा गया है। दोस्तों, वी ग्रुप वालों का जो फर्स्ट एग्जामिनेशन था फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स का, वो इंजीनियरिंग फिजिक्स का रखा गया था। दोस्तों, उस एग्जामिनेशन को देखने के बाद काफ़ी सारे स्टूडेंट रेगुलरली कमेंट कर रहे हैं, साथ साथ इंस्टा पर मैसेज कर रहे हैं कि क्या आरजीपीवी का एग्जामिनेशन पैटर्न चेंज हो गया है। अब दोस्तों, ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यार, फिजिक्स का जो पेपर आया था वो सब डिवाइडेड एवी में नहीं, सब डिवाइडेड एबीसी में था, जो कि दोस्तों टोटल आपको 15 क्वेश्चंस करने थे। 8 में से आपको सीधे 5 क्वेश्चंस सेलेक्ट करने थे और 5 क्वेश्चंस के एबीसी पार्ट आपके लिए करने थे, जो कि टोटल 15 क्वेश्चंस हो गए और पेपर टोटल मार्क्स 70 का ही आया था। लेकिन एग्जामिनेशन पैटर्न में थोड़ा सा चेंज था। पहले जो आता था, या फिर बोल सकते हैं अभी भी जो आता है, वो ए बी पार्ट ही आता है, बस सब डिवाइडेड में ए और वी क्वेश्चंस आते हैं, जो कि यार आपको टोटल 10 क्वेश्चंस करने पड़ते हैं 7-7 मार्क्स के, तो आपका 70 आउट ऑफ 70 चला जाता है। लेकिन इंजीनियरिंग फिजिक्स में एक ही क्वेश्चंस में, मतलब कि एक क्वेश्चन में 3 सब डिवाइडेड थे ए बी सी, जिसके कारण पेपर थोड़ा सा टफ हो गया था, या जिससे ए बन रहा है उस पर सी नहीं बन रहा है, जिस पर बी बन रहा है उस पर ए नहीं बन रहा है, इस टाइप से। तो देखिए दोस्तों, आप लोगों का जो कहना है कि आरजीपीवी का एग्जामिनेशन पैटर्न चेंज हो गया है, तो दोस्तों बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ है। आप लोग इस बारे में सोचे भी ना, आपने जितना पढ़ा है उतना पढ़ते रहिए, साथ साथ अच्छे से रिविजन कर लीजिए। जो ए बी सी पार्ट था इंजीनियरिंग फिजिक्स में, वो बस एक प्रकार से आपको पेपर टफ बनाने के लिए दिया गया था। लेकिन जो रिसेंटली थर्ड सेमेस्टर का फर्स्ट एग्जामिनेशन हुआ है, त्रिपल्ली का, M3 का, उसमें कोई भी इस टाइप से पेपर देखने को नहीं मिला है। सब डिवाइडेड में ए और बी ही थे, बस इंजीनियरिंग फिजिक्स में ऐसा हुआ है कि एग्जामिनेशन को टफ बनाने के लिए एवीसी में दे दिया है। लेकिन दोस्तों, ऐसा कोई भी कंफर्म नहीं है बिल्कुल 1% भी कि इंजीनियरिंग केमिस्ट्री में भी एवीसी पार्ट में देगा। तो दोस्तों, आप लोग बिल्कुल भी टेंशन ना लें, बस अच्छे से पढ़ाई करें। और एग्जामिनेशन का बिल्कुल ऐसा भी नहीं है कि आपको एवीसी पार्ट में मिलेगा, एवी ही पार्ट में मिलेगा, मोस्टली चांसेस यही है। तो यार, अच्छे से पढ़िए, कल के एग्जामिनेशन में फोड़ कर आ जाइए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर, लव यू ऑल।